हेलो, आई एम एस के जोशी एंड आई मेक द वीडियो ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस फॉर 9th एंड 10th एंड मैथमेटिक्स फॉर 11th 12th. सो बी श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन ऑन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर आई अपलोड माई वीडियो. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फॉर क्लास 9th. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 फॉर क्लास 9th, दैट इज लाइन्स एंड एंगल्स. Actually, we have completed first, second and third chapter, and according to syllabus, we have to complete chapter number 6. Chapter number 6 बहुत important है. आपके पास class 9th में पूरी लगभग 90% geometry ही है. Chapter number 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब किसके हैं? Geometry के हैं. तो आपने geometry का concept बहुत अच्छी तरह से सीखना है. मैं बिल्कुल basic से लेकर चल रहा हूँ, beginning से. हो सकता है वो सारी चीज़ें आपने 8th में पढ़ी होंगी, but I want to recap them. मैं उनको दोबारा से तुम्हें कराना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये होती क्या है, ठीक है? और आपको आती तो बहुत अच्छा है बेटा. तो आपने पढ़ना है. सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 में अगर हम बात करें तो एक बात करते हैं पॉइंट की. मैंने पहली डेफिनेशन आपके लिए लिखी है पॉइंट. पहले हम ये सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे. पॉइंट का मतलब क्या होता है? देखो, पॉइंट का एक्चुअल मीनिंग होता है, पॉइंट एक ज्योमेट्रिकल फिगर है. मैं मेरे ख्याल से आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं कि एक मैंने यहां पे ऐसा डॉट लगा दिया, दैट इज पॉइंट. वो क्या हो गया? एक पॉइंट हो गया. सो पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर. है तो एक ज्योमेट्रिकल फिगर, बट इट हैज नो शेप, नो साइज, नो लेंथ, नो ब्रेथ. उसका ना कोई शेप हम बोल सकते हैं, ना उसका कोई साइज है. शेप तो हम बोल सकते हैं, पॉइंट वैसे शेप भी नहीं होता, बट नो साइज, नो लेंथ एंड नो ब्रेथ, एंड ऑल्सो यू कैन से नो शेप. दैट इज नॉन पॉइंट. अब बच्चे मेरे को बोलते हैं, सर एग्जाम्पल दो. कहाँ से दे दो भैया एग्जाम्पल? मेरे पास भी नहीं इसका एग्जाम्पल. जब उसका कोई साइज ही नहीं है, उसकी कोई लेंथ ही नहीं है, उसकी कोई ब्रेथ ही नहीं है, तो उसका एग्जाम्पल तो नहीं बना ना. तो अगर मेरे को बच्चा बोलता है कि सर मैंने वो यस, तो मेरे को सर हमें एग्जाम्पल दे दो, तो मैं कहता हूँ बेटा ये लगा दिया हमने पॉइंट, ठीक है. एक्चुअली में जब बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे जब मेरे से गलत पूछते हैं तो उस गलत क्वेश्चन में से भी मेरे को बहुत सारी नई चीज़ें मिल जाती हैं. हाँ यार, ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो पूछने की तो आदत डालनी चाहिए, है ना. चलो खैर, पॉइंट पता चल गया आपको कि एक ज्योमेट्रिकल फिगर तो है. फिगर तो है वो कुछ ना कुछ. अगर मैं बोलता हूँ पॉइंट तो मेरे माइंड में क्लिक तो कर गया पॉइंट इसका मतलब ये है. मैं बोलता हूँ बेटा अपनी कॉपी में एक पॉइंट लगाओ, तो आपने पॉइंट लगा दिया, यानी क्लिक तो कर गया आपके माइंड में कि कुछ है, कुछ फिगर है. लेकिन वो फिगर उसका कोई मेजरमेंट ही नहीं है, कोई साइज ही नहीं है. तो दिस इज द डेफिनेशन. पॉइंट इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज नो साइज, नो लेंथ एंड नो ब्रेथ. सो दिस इज द, है ना. सेकेंड वन, लाइन. लाइन भी आपने 8th में पढ़ा है. लाइन, लाइन क्या है? आप बोलोगे सर ये ड्रॉ कर दो, ये ड्रॉ कर दो. ये देखो इंक भी गिर गई पूरी. सर ये ड्रॉ कर दो और ये क्या हो गया हमारे पास? लाइन हो गई, ठीक है. तो मैं बोलूँगा हाँ बेटा लाइन तो हो गई. डेफिनेशन क्या बनेगी? लाइन जो होती है इसकी विड्थ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती. तो लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ. लाइन एक लेंथ ही तो है, एक लंबाई तो है. तो लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ. लाइन एक ऐसी लेंथ है जिसकी ब्रेथ नहीं है, विच हैज टू एरो पॉइंट, जिसके दो एरो पॉइंट है. दो एरो पॉइंट का मतलब होता है कि इसको मैं दोनों साइड बढ़ा सकता हूं. मैं इधर भी बढ़ा सकता हूं और इसको मैं इधर भी बढ़ा सकता हूं. दोनों साइड उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है. सो ब्रेथलेस लेंथ इज नोन एज अ लाइन. ब्रेथलेस लेंथ को क्या बोलते हैं हम? लाइन. अब अगर मैं बोलता हूं कि बच्चों आप मेरे को लाइन का एग्जाम्पल दो, तो बच्चे बोलेंगे सर एक डंडी, एक छड़ी. तो क्या वो लाइन होगी? नहीं होगी बेटा. डंडी की एक थिकनेस भी तो होगी, ब्रेथ होगी ना. कई बार मेरे को बच्चे बोलते हैं, जैसे हाँ कई बार बच्चों ने बोला सर कॉपी उठाई, सर ये देखो ये लाइन हो गई. तो बोल तो वो सही रहे कि ये एक लाइन हो सकती है, लेकिन अगर मैं बहुत मैग्नीफाई करूँ तो इसकी भी एक विड्थ है. तो अगर मैं फैक्ट फिगर देखूँ तो फैक्ट फिगर के अकॉर्डिंग मैं लाइन हो गई, पॉइंट हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया, इनके एक्चुअल एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगा. हाँ बोल सकते हैं हम स्केल का एज जो है, टेबल के एज जो है, उसको लाइन बोल सकते हैं, लेकिन अगर फैक्ट की बात करूं तो नहीं है, ठीक है. तो फिलहाल लाइन की डेफिनेशन क्या बनी? अब ब्रेथलेस लेंथ, एक ब्रेथलेस लेंथ होती है. ब्रेथलेस मतलब इसकी विड्थ नहीं होती, विड्थ नहीं होती. विच हैज एरो ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इसके एरो होते हैं, एंड कैन बी प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड, और दोनों साइड को उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है. लेंथ क्लियर हो गई है. कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो बेटा, ठीक है. अब आता लाइन सेगमेंट. अच्छा बच्चों देखो, ये मेरे पास एक लाइन है एक लाइन. इस लाइन में से मैंने इतना काट लिया और ये इतना काट लिया, यानी इसमें से मैंने इतना पीस काट के निकाल लिया, ये वाला. अब जब मैंने ये वाला पीस इतना काट के निकाला, देखो ऐसे काट के निकाला, तो दोनों साइड एरो खत्म हो गए.
अगर मैंने इस पीस को ऐसे काट दिया बेटा तो एरो तो खत्म हो गए ना, देखो ये एरो तो खत्म हो गए, तो बचा हमारे पास ये जिसके दोनों साइड अब पॉइंट लग जाएंगे, एंड पॉइंट हो जाएंगे एंड पॉइंट। तो ऐसा पार्ट कहलाता है लाइन सेगमेंट। क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट। है क्या वो? लाइन का एक पार्ट है, लाइन में से एक टुकड़ा काट लिया मैंने, तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का एक हिस्सा है विच हैज टू एंड पॉइंट, जिसके कितने एंड पॉइंट हैं? दो, दोनों तरफ एंड पॉइंट है, और पॉइंट एंड लग गए इसका मतलब उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, तो इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस ऑन बोथ साइड, क्योंकि दोनों तरफ तो रुकावट लग गई, पॉइंट लग गए, रुकावट लग गई ना, तो इसको मैं आगे नहीं बढ़ा सकता हूं। तो लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का एक पार्ट है विच हैज टू एंड पॉइंट, जिसके दो एंड पॉइंट हैं, एंड कैन नॉट प्रोड्यूस एनी साइड, उसको किसी भी साइड में हम बढ़ा नहीं सकते हैं। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद आता है अगला, आता है एरो, सॉरी रे, लाइन सेगमेंट के बाद आता है रे। अब रे भी एक हिस्सा है लाइन का, ये है ना, तो रे भी क्या करते हैं, बस इस लाइन में से कहीं से इतना काट लो, एक तरफ का हिस्सा काट लो, तो एक तरफ का हिस्सा काट लो तो एक तरफ एंड पॉइंट हो जाएगा, और एक तरफ क्या बन जाएगा? एरो बन जाएगा। तो ये जो कहलाएगा ये हमारे पास रे कहलाएगी, रे, रे जा रही एक तरफ, रे तो सुना होगा आपने, इसको जिधर एरो होता है उधर हम बढ़ा सकते हैं, इधर हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। तो रे क्या है? रे भी एक लाइन का ही एक पार्ट है जिसका एक तरफ एरो है और एक तरफ एंड पॉइंट है। तो रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का एक हिस्सा है विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट है, एंड सॉरी इट कैन बी प्रोड्यूस ऑन वन साइड, एक साइड इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है बेटा। अब लाइन की कुछ चीज आती है, परपेंडिकुलर लाइन, पैरेलल लाइन और इंटरसेक्टिंग। ये मैं इरेज कर देता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा आई होप, है ना। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं तो आगे मेरे पास आता है, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो बेटा, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है? ऐसी लाइन जो कहीं ना मिले, सपोज दैट एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, अब मैं इसको चाहे इधर बढ़ा दूं ऐसे करके, ऐसे आगे बढ़ा दूं, या चाहे इसको मैं इधर बढ़ा दूं, इसको मैं कहीं भी बढ़ाता हुआ चला जाऊंगा, ये कहीं भी नहीं मिलेंगी। तो ऐसी लाइनें जो दो लाइन लगातार बराबर डिस्टेंस में चल रही कहीं नहीं मिल रही, उनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। जैसे आपकी नोटबुक की दो लाइनें, देखो जरा आपकी नोटबुक की दो लाइनें कहीं मिलेंगी? कहीं नहीं मिलेंगी, वो पेज कितना भी पलट लो बिल्कुल बराबर बराबर चलती चली जाएंगी। तो ऐसी लाइनें कहलाएंगे हमारे पास क्या? पैरेलल लाइन, है ना, समझ गए। एक रोड है, रोड के दोनों किनारे, अब रोड ऐसे जा रही तो दोनों किनारे कभी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, दोनों किनारे ऐसे तो नहीं मिलेंगे ना, रोड बंद हो गई सर, तो वो दोनों किनारे ऐसे चलते चले जाएंगे, तो वो पैरेलल लाइन हो गई, पता चल गया। तो हम बोलेंगे लाइन विच कैन नॉट मीट, जो नहीं मिल सकती आफ्टर प्रोड्यूसिंग, इवन प्रोड्यूसिंग, अगर उसे प्रोड्यूस भी कर दिया जाए तो वो नहीं मिलेगी, और इसके हर जगह का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। तो आप मेरे को बताओ कि मैं अगर बोलता हूँ बेटा एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं? आधे बच्चे सोच रहे सर पैरेलल नहीं है, क्यों नहीं है सर? क्योंकि सर ये बराबर नहीं है। भाई पैरेलल लाइन का मतलब बराबर नहीं होता। देखो अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं, इसको ऐसे बढ़ा दूं, तो ये कहीं नहीं मिलेंगे, इसका मतलब ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल का ये जरूरी नहीं है पैरेलल लाइन इक्वल हो, बराबर हो, ऐसे जरूरी नहीं। पैरेलल का मतलब वो कहीं भी नहीं मिलेंगी, उनको प्रोड्यूस भी कर दिया जाए तो यहां से लेकर कहीं भी नहीं मिलेंगी, अमेरिका तक भी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो पैरेलल लाइन विच कैन नॉट मीट, जो नहीं मिल सकती आफ्टर प्रोड्यूसिंग, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन, ये तो नाम से पता चल गया, आप लोगों को पता है, जब दो लाइनें एक दूसरे को 90 के एंगल पर कट करती हैं, 90 के एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, है ना। तो जब 90 के एंगल पर इंटरसेक्ट करती है उनको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, दोज आर नोन एज परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन, जो लाइन कहीं ना कहीं पर टच कर रही, कहीं ना कहीं पर मीट कर रही है आपस में, एक पॉइंट पर मिल रही हैं, उनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो लाइंस विच मीट एट अ पॉइंट, जो एक पॉइंट पर मिलती हैं, नोन एज द इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलते हैं उसको? इंटरसेक्टिंग। अब आपने मेरे को ये बताना है, पहला लाइन परपेंडिकुलर लाइन ये पता चल गया, आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में दो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो बताने कमेंट्स करके कि मैं बोलता हूँ एक लाइन है ए बी, क्या है ए और बी, ध्यान से सुनना, एक लाइन ए बी है, मैंने दूसरी लाइन सी डी ड्रॉ करी, वो इसी के ऊपर आ गई, इसी के ठीक ऊपर आ गई, ये लाइन आ गई हमारे पास सी डी, मैंने पहले एक लाइन ड्रॉ करी ए बी, और जब दूसरी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो भी ठीक उसी के ऊपर आ जाती हैं,
तो आर दीज लाइन्स पैरेलल, ये तो मान ले छोड़ देता हूं मैं क्वेश्चन, क्या ये लाइनें पैरेलल हैं, पहला क्वेश्चन पता चल गया। दूसरा क्वेश्चन कि जब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है तो इन लाइन का नाम क्या होता है, नेम, इनका क्या होता है नेम, ये दो क्वेश्चन आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा उसके बाद आता बेटा एंगल, तो एंगल बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि कॉलिनियर, कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, जब तीन पॉइंट एक ही लाइन में हो, जैसे एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ, अब पॉइंट तो पता चल गया होगा ना, पॉइंट हम किसको बोलते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा पॉइंट क्या होता है, क्या होता है पॉइंट, चलो पॉइंट पता है ना सबको, अपनी बता रहा हूँ दोबारा, तीन पॉइंट जब एक ही लाइन में हो तो ऐसे पॉइंटों को बोलते हैं कॉलिनियर पॉइंट, क्या बोलते हैं कॉलिनियर। अगर तीन पॉइंट एक लाइन में ना हो, चाहे दो एक लाइन में और एक ना हो, मतलब तीनों एक लाइन में नहीं होने चाहिए, एक जरा सा भी हट गया, जरा सा भी भटक गया अपने रास्ते से, चाहे मानो दो ऐसे हैं और एक जरा सा भी भटक गया, तो ये ट्रायंगल बना लेगा। जब भी तीन पॉइंट अगर कॉलिनियर नहीं है, नॉन कॉलिनियर बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं हम, नॉन कॉलिनियर। तो अगर तीन पॉइंट नॉन कॉलिनियर होंगे तो वो ट्रायंगल बनाएंगे, एंगल बनाएंगे, कम से कम तीन के ट्रायंगल ना भी बनाए तो क्या बनाएंगे, एंगल बनाएंगे, ठीक है। मैं देखो एक चीज और बताता हूं, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट कैसे भी लगा दो, तो अभी तीन पॉइंटों को मिलाएंगे तो ऐसे मिला दिया तो कम से कम एंगल तो बनाएगा, और तीनों को मिला देंगे आपस में तो क्या बनाएगा, ट्रायंगल बनाएगा, ये बता के समझ में। तो कॉलिनियर जो एक लाइन में हो और नॉन कॉलिनियर जो एक लाइन में ना हो। एंगल है एन एंगल इज यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर रे विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, ये बोल रहा है कि एक एंगल जो है वो दो कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर टू नॉन कॉलिनियर रे, एक रे ये हो गई, एक रे हो गई, दो नॉन कॉलिनियर रे है, नॉन कॉलिनियर मतलब एक के ऊपर एक नहीं है, ये आगे एक ही लाइन में नहीं है दोनों के दोनों, तो एक रे ये हुई, एक रे हुई नॉन कॉलिनियर रे, और इनका ये वाला पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स, क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स, या इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट। तो दो, अगर दो रे का एक ही इनिशियल पॉइंट हो, दो रे का कोई सी भी दो रे का अगर सेम इनिशियल पॉइंट होगा तो वो बनाएंगे एंगल, है ना, क्या बनाएंगे वो, एंगल। तो हम यहां से डेफिनेशन बोल सकते हैं एन एंगल इज यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर रे विथ कॉमन इनिशियल पॉइंट, या हम बोलेंगे एंगल इज अ, पता चल गया दो रे है ना, एंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रे हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट, ऐसे भी बोल सकते हो, है ना, पता चल गया। और ये जो रे हैं इनको बोलते हैं हम क्या, आर्म्स ऑफ एंगल, एंगल के आर्म्स, बाजू आर्म्स एंगल के, ठीक है। एंगल के बाद अब ये छोटी छोटी चीजें जो आपने पढ़ रखा फिर भी एक बार बता देता हूं, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल क्या होता है, जो एंगल जीरो से बड़ा और 90 से छोटा हो, यानी जो बिटवीन किसके हो, बिटवीन 0 to 90, एंगल बिटवीन 0 to 90 इज नॉन एज एक्यूट एंगल। अगर जीरो का हो तो जीरो एंगल कहलाता है, अगर जीरो डिग्री का होगा तो क्या बोलते हैं उसको, जीरो एंगल, ठीक है। तो एंगल बिटवीन 0 to 90 इज एक्यूट एंगल, सबको पता है इसलिए फटाफट बता रहा हूं ये। राइट एंगल, राइट एंगल हमारे पास दूसरा है एंगल ऑफ 90 डिग्री, जो 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल होता है, सबको पता है। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, बिटवीन 90 to 180, 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए, इसलिए बिटवीन लिखा है, इन दोनों के बीच में, उसको बोलते हैं हम क्या, ऑब्ट्यूज एंगल, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल, सबको पता होगा मेरे ख्याल से, स्ट्रेट एंगल जो सीधा होता है ऐसा 180 डिग्री का होगा, एंगल ऑफ 180 डिग्री इज नॉन एज स्ट्रेट एंगल, सबको पता है ये। फिर आता है रिफ्लेक्स एंगल, हाँ जी रिफ्लेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्स देखो ये गया 180 नहीं जाता, थोड़ा झुक जाता है, ये 180 से बड़ा आता है ना, तो हम लिखेंगे एंगल बिटवीन 180 to 360 डिग्री, 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है, ऐसे एंगल को बोलते हैं हम क्या, रिफ्लेक्स एंगल। आगे बात समझ में,
रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, पता चल गया आप लोगों को। और इसको हम 360 में से माइनस करते हैं, कितने में से माइनस करते हैं बेटा, 360 में से। अगर मैंने ये पूरा हमारे पास 360 हुआ, 360 में ये माइनस करा तो रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल कौन सा होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आधे बच्चे, जो कंप्लीट सर्कल में बन जाता है 360 का। देखो लाइन खींची, 180 ये बना, 180 ये बना, तो 180 और 180 कितना हो गया, 360। तो जो एक पूरे सर्कल में बनता है दैट इज नॉन कंप्लीट एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री, आई होप आप पढ़ चुके होंगे कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब हो गया इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, अगर दो एंगल का जो सम है इज, अगर दोनों एंगल का सम हमारे पास 90 डिग्री हो, कितने डिग्री हो 90, देन एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री। जब दो एंगल का सम कितना हो 90 डिग्री, सपोज दैट एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है, दोनों का सम कितना हो गया हमारे पास 90, इनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री। नाइन्थ सप्लीमेंट्री, आधे बच्चों को याद होगा सप्लीमेंट्री क्या होता है, बस ऐसे ही आएगा इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री में दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। अब आता है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल मतलब साथ वाला एंगल। जैसे मैं अगर ट्रायंगल बनाऊंगा, ये ए, ये बी और ये सी, तो इसका एडजेसेंट इसके साथ वाला ये हो जाएगा, या इसका एडजेसेंट ए भी हो सकता है, साथ वाला एंगल हो गया। या अगर मैं आपको ऐसा डायग्राम बना देता हूं, ये बन गया हमारे पास, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया एंगल और ये सी मान लिया, तो ए का एडजेसेंट ए के साथ वाला, ए का एडजेसेंट बी होगा, ए का एडजेसेंट सी नहीं हो सकता क्योंकि काफ़ी दूर है, उसके बिल्कुल साथ वाला, ए का एडजेसेंट बी, बी का एडजेसेंट क्या हो गया सी, तो ऐसे एंगल को बोलते हैं हम एडजेसेंट एंगल, ठीक है। उसके बाद बेटा ये वाला कंसेप्ट भी करना, देखो हमें चैप्टर करना तभी ईजी लगेगा जब सारे कंसेप्ट आपको आते होंगे, तो आपने सारे कंसेप्ट कॉपी में लिखने, अच्छी तरह लिखो, अच्छी तरह उन्हें लर्न करो, समझो क्या होता है क्या नहीं होता, नहीं आता तो मेरे से पूछो, ठीक है। तो अब हम देखेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर मीन्स होता है वो दो एंगल, ये जो एक ही लाइन में बनते हैं और जिनका सम जो होता है वो कितना होता है 180 होता है। सपोज दैट ए और ए बी है, तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, इनको बोलते हैं हम क्या, लीनियर पेयर, एल पी भी लिख देते हैं, लीनियर पेयर एंगल। जब किसी दो एंगल का सम कितना हो 180, यानी एक ही लाइन में बने हो, स्ट्रेट लाइन में बने हो, सीधी लाइन में बने हो दो एंगल, पेयर मीन्स क्या होता है जोड़ा, तो जब दो एंगल एक लाइन पे बन रहे हो उनको बोलते हैं लीनियर पेयर। अच्छा अगर दो से ज़्यादा बन रहे हो, सपोज दैट ये हो गया ये हो गया, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, देखो ये भी तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन में बने हैं ना, देखो सीधी लाइन बन रही, सीधी लाइन, सीधी लाइन में जो भी एंगल बनेगा वो 180 का बनेगा, स्ट्रेट एंगल है ना। तो यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 180। बहुत सारे लोग इसको लीनियर पेयर लिख देते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनफैक्ट अगर मैं देखें तो इन्हें लीनियर पेयर नहीं होता, पेयर मीन्स दो ही, पेयर में दो ही कैलकुलेट होते हैं ना। तो यहां पर मैं लिखूंगा एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में बने हुए एंगल 180 के होते हैं। तो कुल मिला के कि जो सीधी लाइन में बन रहे हैं उनका सम कितना होता है 180, दो होने तो लीनियर पेयर लिख दिया करो, दो से ज्यादा 3, 4, 5, 6 तो सबके लिए आएगा एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पढ़ चुके हो आप मेरे को पता ही, आप सब सोच रहे हो सर हम तो पढ़ चुके हैं पहले ही, हमारी तो मज़े आ गई सर, हैं लॉकडाउन में पैड, तुम्हारी मज़े है, हम रात भर लगे हुए हैं। चलो उसके बाद देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो भाई तीसरा कहलाता है वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वी ओ ए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब दो लाइनें ऐसे कट करती हैं तो ये एंगल इसके बराबर होता है, ये जो क्रॉस में जा रहा सामने सामने वाला, और ये वाला इसके बराबर, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, इसको 4 मानो, तो एंगल 1-2 के बराबर होगा। ये सामने वाला देखो जिधर मुंह खुला हुआ है, मछली का मुंह खुला हुआ है ना, ये मछली, मछली जल की रानी है, मुंह खोल के सब पानी है, तो जिधर को ये मुंह खुला हुआ है इधर, ये वाले एंगल आपस में इक्वल होते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4,
पता चल गया। और इन एंगल को लिखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सिंपल है मेरे ख्याल से। अगर मैं बोलता हूँ बेटा ये लाइन और ऐसे काट रही, अब क्या होगा वर्टिकली अपोजिट बताओ जरा। सर मछली का मुंह कहाँ दिख रहा है? ये वाला दिख रहा है, ये हो गया। अब इसके बिल्कुल अपोजिट में चले जाओ ये वाला, तो ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, तो ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आप सीख चुके हो, मेरे को पता है। ये राज की बात है कि आपने एट्थ में पढ़ा है, मैंने भी एट्थ क्लास पढ़ी है बच्चों। आधे बच्चे कह रहे नहीं पढ़ी है सर। देखो ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे, दो टाइप के होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। देखो जी ये वाला और ये वाला, इसे वन मानो और इसे टू मानो। ऐसे ही इधर से मैं बोलूं तो ये वाला थ्री मानो और ये वाला मानो फोर। तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, ये वाला इसके इक्वल, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर। अभी बताओ ये लाइन के बाहर की तरफ बने ये अंदर की तरफ बने। देखो भाई इस वाली लाइन के भी बाहर की तरफ है, इस वाली लाइन के भी बाहर की तरफ है, बाहर है ना, तो ये कहलाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स। बाहर की तरफ बने, लाइन के ऊपर बने भाई, बाहर बाहर बिल्कुल। ठीक है, पता चल गया। अच्छा जी अब इसी डायग्राम को ले लेते हैं, दोबारा मेहनत नहीं करते बनाने की, आप लोग दोबारा बनाओगे। ये अगर मैं ये नीचे वाला एंगल वन मानूं और नीचे वाला टू, ऐसे ही अगर मैं इसमें ये नीचे वाला मानूं थ्री और ये नीचे वाला फोर, तो एंगल वन ये वाला टू के बराबर होगा और थ्री किसके बराबर होगा? फोर के। और ये देखो इस लाइन के अंदर बना है, अंदर, और ये भी इस लाइन के अंदर बना, नीचे मतलब अंदर बना है, इसके छत के नीचे खड़े ना तो अंदर खड़े हैं, छत के बाहर खड़े ऊपर तो बाहर। ऐसे ये छत है, छत के नीचे, ये भी छत के नीचे अंदर बने, तो ये कहलाते हैं कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर एंगल्स, पता चल गया होगा। ठीक है बेटा, अब आता बेटा अगला अल्टरनेट एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। यहीं तक कराऊंगा, चिंता मत करो, बस होने वाला खत्म। अल्टरनेट एंगल्स, एक लाइन ये, एक लाइन हमारे पास ये बनी, एक लाइन हमारे पास ये बनी, इसको एक लाइन ने कैंसिल किया। अच्छा इन दोनों लाइन को पैरेलल लाइन बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, जो उसको कैंसिल कर दे इसका नाम होता है ट्रांसवर्सल लाइन। तो भाई जहां जेड बन रहा है, ये बना जेड, ये बना जेड, ये बना जेड, जेड दिख रहा आपको, जेड फोर जेब्रा वन और टू, ये इक्वल होगा, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू। जेड सिर्फ जहां दिख जाती वहां मैं सोच लूंगा ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट। ठीक है, अब इधर से भी जेड बनेगा, देखो उल्टा जेड, ये बना उल्टा जेड, बना कि नहीं बना, तो जेड के ही अंदर देखो ऐसे जेड बनेगा, या तो ये बना जेड या उल्टा जेड ले लो, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये एंगल हो गए या फिर ये एंगल हो गए। तो यहाँ पर इसको थ्री मान लो, इसको फोर, तो एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, और इसको लिखेंगे हम अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, यहाँ तक आ गया, पता चल गया, वेरी गुड। ये आपने अल्टरनेट एंगल लिखना है, फिर उसका डायग्राम बनाना है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल फिर उसका डायग्राम, तभी आपको समझ में आएगा। लिख के अपने पास रख दो, लर्न करो आराम से। फिर आता को इंटीरियर एंगल्स, लास्ट वन इज को इंटीरियर। जब दो लाइनें ऐसी पैरेलल लाइन हो, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही हो, को इंटीरियर, को मतलब सहपाठी, एक साथ रहने वाले, इंटीरियर अंदर, जो दो एंगल एक साथ अंदर रहते हैं, को जैसे हम बोलते हैं कोमेट्स, एक साथ पढ़ने वाले, को वर्कर एक साथ काम करने वाले, को इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर और को मतलब दो एक साथ जो रह रहे हैं, तो एक साथ ये वाला एंगल लाइन के अंदर है और ये वाला भी लाइन के अंदर है। इधर से अगर हम देखो दोनों एक साथ रह रहे हैं, तो इसको और इसको, तो एंगल वन प्लस टू 180 होता है बेटा, को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180, है ना। और इधर से लास्ट ये वाला थ्री और फोर भी क्या होगा 180, तो एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज 180 डिग्री। ठीक है, तो बल्ले बल्ले, आज क्या हुआ, आज तुमने इसका कंसेप्ट करा, कंसेप्ट सीखना जरूरी। देखो भाई अगर आपने नाइन्थ में पढ़ना है, टेंथ में अच्छा करना है, बोर्ड में टॉप करना है, तो हर कंसेप्ट क्लियर होना है। कंसेप्ट लिखो, लिखने की आदत डालो, लिख के नोट्स बना दो कंसेप्ट के। छठा चैप्टर है, ये सारे कंसेप्ट के आपने नोट्स बना दिए,
और मैं तो आपको एक सजेशन दूंगा नाइन्थ वाले बच्चों, आप अभी आपके नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ चार क्लास है ना, एक डायरी बना लो, हर चैप्टर के फॉर्मूले लिखो, नाइन्थ के भी उसी में लिखो, टेंथ के भी, इलेवंथ के, ट्वेल्थ के, कभी पूरी लाइफ में याद आएंगे कि हाँ यार हमने लिखे, और अच्छी तरह से लिखो, कलरफुल बना के। कोई चीज़ हम बहुत अच्छा लिखते हैं ना, बहुत अच्छा सजा सजा के, हमें उसको पढ़ने का मन करता है, लेकिन कोई हम गचड़ पचड़ खिचड़ी बना देता, खुद ही उस कॉपी को खोलने का मन नहीं करता, दूसरा क्या खोलेगा। अभी मैं देख रहा हूँ इतने बच्चे भाई साहब इतना बढ़िया बढ़िया काम करके भेज रहे मेरे को ना, सर ये देखो हमने ऐसा करा, सर हमने ऐसे फॉर्मूले लिखे, बहुत गजब, मज़ा आ गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच बेटा, बाय बाय।